लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जब भी कोई वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है तो वो किसी ना किसी सोर्स के तहत ही प्रोड्यूस होता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारा सोर्स है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस सिचुएशन में हमारा जो सोर्स है वो सन है और इस सन से हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट की जो है वेव्स प्रोड्यूस होनी है, ये हमारा सोर्स है जिसे हम लोगों ने मान लिया है कि ये हमारा सन है। और हमें मालूम है कि सन से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो वेव फ्रंट हमें हासिल होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। और हमें ये भी मालूम है कि हर वेव फ्रंट पर मौजूद मुख्तलिफ पॉइंट जो हैं वो एक ही स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं, एक ही फेस के ऊपर मौजूद होते हैं। अगर मैं ये फ़र्ज़ कर लूँ थोड़ी देर के लिए कि इस फेस के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स, इस वेव फ्रंट के ऊपर कुछ पॉइंट लेट कर लूँ, जैसे कि ये एक पॉइंट, इसे ए का नाम दे दिया, ये पॉइंट बी, इसे बी का नाम दे दिया, और ये पॉइंट सी है जिसे मैंने सी का नाम दे दिया। अब क्या होता है कि मैं अगर ये मान लूँ कुछ देर के लिए, कुछ टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए मैं ये मान लूँ कि ये जो ए बी और सी पॉइंट हैं, वैसे तो इस पर लादादाद पॉइंट्स हैं लेकिन मैंने सिर्फ तीन पॉइंट्स को कंसीडर किया ताकि एक्सपेरिमेंट को आसानी से समझा जा सके। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर ये पॉइंट ए हमारा एक सोर्स है, अगर ये एज अ सोर्स एक्ट करेगा तो क्या होगा, ये सोर्स एक्ट करेगा तो ये भी कोई ना कोई जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, जैसे कि ए इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, सिमिलरली हमारा बी भी स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा और सी भी स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। होता क्या है, अब टाइम इंटरवल डेल्टा टी के दौरान हर सोर्स ने, हर पॉइंट ने एक्ट किया एज अ सोर्स की तरह, और सोर्स की तरह इन्होंने अमल करते हुए एक नई वेव फ्रंट बनाते चले गए। तो ये स्नेक्स जो है वो वेव फ्रंट बना दिया स्फेरिकल, पॉइंट बी ने ये वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दिया और पॉइंट सी ने ये वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दिया। अब अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जाए तो टेंजेंट की डायरेक्शन इस सिमत की तरफ होगी और यहाँ पर जो टेंजेंट खींचूंगी उसकी डायरेक्शन इस सिमत में, यानी कि मैं टेंजेंट खींच के हर पॉइंट के अलोंग इन्हें इस तरह से मिला सकती हूँ कि ये मेरे पास मज़ीद एक सेकेंडरी वेव फ्रंट आ जाए इस तरीके से। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने इन्हें मिला दिया है, तो ये मेरे पास प्राइमरी वेव फ्रंट आया था और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है और दोनों ही स्फेरिकल वेव फ्रंट है क्योंकि ये सन से प्रोड्यूस हो रहे हैं और हमें मालूम है कि सन को जब सोर्स मान लिया जाए और उससे जो वेव फ्रंट हमें हासिल होता है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट की तरह होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट आ गया और ये जो प्राइमरी के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स हमने कंसिडर किए हैं, जब उन्होंने एक्ट किया एज अ सोर्स तो हमारे पास एक मजीद सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। अब अगर इस पर मैं कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पर एक मजीद एक पॉइंट लेट कर लेती हूँ, यहाँ पर एक मजीद पॉइंट और यहाँ पर, तो क्या होगा, मेरे पास एक टर्शनरी वेव फ्रंट बन जाएगा और ये सिस्टम यूं ही चलता चला जाएगा। इसका मतलब है हर पॉइंट पर, जो कि एक वेव फ्रंट पे मौजूद हर पॉइंट एक्ट करता है एज अ सोर्स कि वो अगले वेव फ्रंट को प्रोड्यूस कर सके। जैसे कि अब देखा जाए तो ये जो चीज़ है, ये जो फिनोमिना है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं कि ये हाइगन प्रिंसिपल है। ये हमारे पास हाइगन प्रिंसिपल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगन हमें ये क्या, हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन हमें ये बताता है, तो हाइगन के मुताबिक जब भी किसी सोर्स से वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहा हो तो उस वेव फ्रंट के ऊपर जो मौजूद हर पॉइंट है वो एक्ट करते हैं एज अ सोर्स के वो सेकेंडरी वेव फ्रंट को इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी प्रोड्यूस कर सके। तो ये वाले फिनोमिना को जो है हाइगन ने डिस्कवर किया, हाइगन ने बयान किया, इस वजह से हम इसे हाइगन्स प्रिंसिपल कहते हैं। अब देखा जाए तो ये हमारा सन है, सन हमारा सोर्स है, तो यानी कि सन को मुझे सेंटर मान लेना चाहिए। अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ इस तरीके से तो ये मेरे पास एक सर्कल की शेप आ जाती है जिसमें कि सन हमारा सेंटर होता है और हमें मालूम है कि सेंटर से किसी भी पॉइंट तक कोई भी एक डिस्टेंस लिया जाए तो वो इक्वल ही आता है। जैसे कि अगर ये आपका सर्कल है और ये आपका पॉइंट है और इसके अराउंड ये आपका सर्कल है, ये एक मजीद एक सर्कल है और एक और सर्कल आ जाए, तो क्या होता है कि हर सर्कल का जो हर सर्कल है उसका दरमियान से मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहता है क्योंकि उनका सोर्स जो एक सेंट्रल पॉइंट है वो तो सेम ही रहता है ना। जैसे कि ये आर, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी यहीं से मेयर किया जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी इसी सेंटर से मेयर किया जाएगा। सिमिलरली अगर आप थर्ड वाला इस सर्कल को देखें तो इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो भी यहाँ से ही मेयर किया जाएगा। मतलब ये कि हर सर्कल के लिए उनका जो सेंटर है सी वो तो सेम रहता है। जैसे कि यहाँ पे सन,
सन हर वेव फ्रंट के लिए सन ही उनका सेंटर रहेगा, यानी कि सन से ही हर वेव फ्रंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि सन हमारा सेंटर है, तो सेंटर से लेके पहले वेव फ्रंट तक का जो रेडियस है उसे स्मॉल आर कहना चाहिए, और बाद वाले रेडियस में कुछ ना कुछ तो इजाफा हुआ होगा लेकिन उसका सेंटर सेम रहता है। मतलब कि अब ये जो इसका सेंटर होगा, सेंटर हमारा सन है, और सेंटर से सेकेंडरी वेव फ्रंट तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर से थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, जो कि फर्ज कर लीजिए कि कैपिटल आर है। सिमिलरली ये डिस्टेंस इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको ये मालूम करना हो कि जो हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है उसका डिस्टेंस क्या था हमारे सोर्स से, और जो सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ है उसका डिस्टेंस क्या है हमारे सोर्स से, तो आप इसे आसानी से मालूम कर सकते हैं। आप जानते हैं रिलेशनशिप के बारे में कि फिजिक्स में जब भी हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम सबसे इजी तरीन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं s इज इक्वल्स टू वी थीटा। जब हमारे पास वेलोसिटी भी हो और हमें टाइम इंटरवल भी गिवन हो तो हम आसानी से उस टाइम इंटरवल के दौरान तय करदा फासला निकाल सकते हैं। जैसे कि इस सिचुएशन के अंदर जो v है ये तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि सोर्स हमारा सन है, और सन से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट जो है मूव कर रही है। तो हमारे यहाँ पर जो v है वो स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए, जिसे C से रिप्रेजेंट करना चाहिए और लिखना चाहिए कि ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये बात तो तय हो गई कि अब V की जगह मुझे यहाँ पर C लिखना चाहिए, और T की जगह यहाँ पर वो टाइम इंटरवल डेल्टा T लिखना चाहिए जिसके दौरान हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट हासिल हुआ है, और S की जगह मैं डिस्टेंस R लिख सकती हूँ। अगर मैं प्राइमरी के लिए मालूम कर रही हूँ तो इसका चूंकि स्मॉल r मैंने लेट किया है तो मैं स्मॉल r लिख सकती हूँ, और जाहिर सी बात है जब कैपिटल R के लिए बात करूँगी तो यहाँ पर मुझे कैपिटल R लिखना चाहिए और C इंटू डेल्टा T। ये दोनों वेरी कर सकते हैं क्योंकि C भी हमें गिवन होगा और डेल्टा T भी, और उसके हिसाब से हम लोग जो हैं ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। R मैंने आपकी आसानी के लिए इसलिए लिखा था कि आप ये समझ सकें कि प्राइमरी वेव फ्रंट का डिस्टेंस या फासला हमेशा सेकेंडरी वेव फ्रंट से कम होगा। जब आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस जो है प्राइमरी के लिए वो हमेशा कम आता है एज कम्पेयर कि आप सेकेंडरी वेव फ्रंट का जो है डिस्टेंस निकालें। अगर मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊं तो उससे आपको काफ़ी हद तक हाइगन प्रिंसिपल के बारे में क्लियर हो जाएगा कि हाइगन प्रिंसिपल आखिर है क्या। जैसे कि इस एनिमेशन से आप देख सकते हैं कि जब भी कोई भी आप पार्टिकल किसी भी मीडियम में डालें तो मीडियम में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है, और डिस्टरबेंस की वजह से वेव जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पेबल्स एक पानी में डाल रहे हैं किसी पानी के टब में तो बहुत ज़्यादा सिलेंड्रिकल या सर्कुलर वेव फ्रंट प्रोड्यूस होती हैं, जो आगे जाते जाते प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि हर पॉइंट पे मौजूद जो एक पॉइंट है हर वेव फ्रंट के ऊपर वो सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट हो और उसे दो स्लिट्स के दरमियान से गुजरना पड़े तो वो डिफ्रैक्शन शो करता है। सिमिलरली अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिट्स लगा दें, दो स्लिट के दरमियान भी आप मज़ीद छोटी छोटी स्लिट्स लगा दें, तो इस तरह से आपके पास मज़ीद जो है वो डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और ये डिफ्रैक्शन आपके प्लेन वेव फ्रंट को इस तरह से सर्कुलर या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में तब्दील करता चला जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब किसी मीडियम में जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और एक वेव के ऊपर मौजूद तमाम पॉइंट्स एक ही फेज और एक ही स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में हो तो उसे हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं, और एक वेव फ्रंट जो है वो हेल्प आउट करता है सेकेंडरी वेव फ्रंट को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि उसके ऊपर मौजूद हर पार्टिकल एक्ट करता है एज अ सोर्स। हाइगन प्रिंसिपल ने हमें यह भी बताया, हाइगन प्रिंसिपल ने अपने प्रिंसिपल से जो रिजल्ट निकाले उसे हमें यह बताने में मदद मिली कि हाइगन ने कहा कि अगर कोई सोर्स है और वो इमिट कर रहा है वेव फ्रंट को, जैसे कि सन को मान लिया जाए, सन से स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो इमिट हो रहा है, तो हर पॉइंट पर, चाहे एक पॉइंट यहाँ है, पॉइंट यहाँ पर है, साथ साथ मौजूद जितने भी पॉइंट हैं उन सबको इस सन की जो एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। सिमिलरली इस वेव फ्रंट पर मौजूद सब पॉइंट्स को इक्वली ही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसी तरह जो अगर ये वाला जो आप फिनोमिना है इसे किसी होमोजीनियस मीडियम के अंदर रखें, यानी कि सन की जो रेज हैं अगर वो किसी होमोजीनियस मीडियम के अंदर वेव फ्रंट प्रोड्यूस कर रही हैं तो हर वेव फ्रंट जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही रहता है, और इसके अलावा ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आपस में पैरेलल भी होते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर कोई टू लाइंस हो इस तरह से तो हम कहते हैं कि ये आपस में पैरेलल हैं, अगर इन्हें थोड़ा सा बेंड भी कर दिया जाए इस तरीके से तब भी तो ये आपस में पैरेलल ही रहती हैं। तो हाइगन के मुताबिक सन से जब भी स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होती हैं, अगर हम सन को सोर्स मान लें, तो सन को सोर्स मानने से क्या होता है कि जो हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, और प्राइमरी वेव फ्रंट पे मौजूद हर पॉइंट एक्ट करता है एज
एज अ सोर्स कि वो सेकेंडरी वेव फ्रंट को प्रोड्यूस कर सके, और सेकेंडरी वेव फ्रंट पर मौजूद हर पॉइंट एक्ट करता है इस तरह से कि वो टर्शनरी वेव फ्रंट जो है वो प्रोड्यूस कर सके। जिस तरह से अभी आपने एनिमेशन में देखा कि किसी भी मीडियम में अगर आप कोई पेबल फेंकें तो उस पेबल की वजह से एक वेव फ्रंट बनता है, अगर इसे सर्कुलर वेव फ्रंट मान लिया जाए तो इसके बाद ही मजीद इसके ऊपर एक्ट करने वाले पॉइंट की वजह से ही एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाता है, और उसके बाद मजीद एक टर्शनरी या आपके पास थर्ड वेव फ्रंट भी बनता चला जाता है। जिस तरह से यहाँ पर वेव फ्रंट बनता है, इसी तरह से हमारे पास सन की वजह से बनने वाले स्फेरिकल वेव फ्रंट भी इसी तरह से बनते चले जाते हैं। तो ये हाइगन प्रिंसिपल था जिसने हमें बहुत ज़्यादा मदद की है ये समझने में कि वेव फ्रंट आखिर किस तरह से बनते हैं और बनते चले जाते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हाइगन ने हमें काफ़ी हद तक बता दिया। तो ये हाइगन प्रिंसिपल था। होप्स आपको काफ़ी हद तक हाइगन प्रिंसिपल के बारे में समझ आ चुकी होगी।